एक जमाना था के शूद्र पढ़ नहीं सकते, ब्राह्मणों के जड़ते शूद्र कढ़ नहीं सकते, धन संचय वे करके आगे बढ़ नहीं सकते, मंदिर की भी चौखट पे वे चढ़ नहीं सकते थे। सखम में से तेरा खेजो तू नहीं सकते, इतिहास देख लो साक्ष्य नुखू नहीं सकते, भीम ने जो कटे अटकबू नहीं सकते, मम्मे पानी का भी टोटा धारे छू नहीं सकते थे। वेद शास्त्र पढ़ने की रखती मनाई थी, तेल डालते कान के माकरम सुलाई थी, शिक्षा के चक्कर में हमने जीव कटाई थी, मुंह में हांडी पाछे झाड़ू न्यारी राई थी, भूल कभी प्यार ना जताया करते, कोड़े मार मार के सताया करते, सती पाप योनी की बताया करते, खाक कभी नीचे नु बैठाया करते, नारियों का भारत में सम्मान नहीं था, शास्त्रों में नारी का उत्थान नहीं था, नारियों के हक में भगवान नहीं था, सबको न्याय दे दे संविधान नहीं था, सबसे पहले निवेदन करूँगा हमारे जो राष्ट्रीय संगठक है आदरणीय संरक्षक आदरणीय राज्यपाल गौतम जी, कृपया एक दीप प्रज्वल करके इसका शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ आदरणीय अभी एक मोमबत्ती जला करके इसका शुभारंभ करें, पुष्प भी अर्पित करें सर। कृपया बाबा साहब को माला अर्पण करेंगे। हम निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीपी मोदी से कृपया एक मोमबत्ती जला करके उसका विमान करें, भगवान बुद्ध और बाबा साहब को पुष्प भी अर्पित करेंगे। हमारे पूर्व अध्यक्ष मिशन जय भीम के आर्य जी कृपया एक मोमबत्ती जलाएं और भगवान बुद्ध बाबा साहब को पुष्प अर्पित करें। प्रदेश के अध्यक्ष किशन जैवी भी कृपा हुआ एक मोमबत्ती जल बहुत साहब और भगवान बुद्ध बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे। इसी के साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृपया भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित करेंगे। सभी से निवेदन है कृपया बारी बारी से भगवान बुद्ध और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करें। हमारे बीच में पुष्पांकर देव जी हैं, कृपया वो आए भगवान बुद्ध को और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पांकर देव जी requesting to Sri Pushpankar Dev ji, please come on the stage. दिल्ली प्रदेश के और राष्ट्रीय जितने भी पदाधिकारी हैं कृपया आएं
वो भगवान बुद्ध बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे। डॉक्टर शशि जी कृपा मंच पर आए और भगवान बुद्ध बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे। डॉक्टर सीमा जी कृपया वो मंच पर आए और भगवान बुद्ध बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे। हमारे बीच में गांधी जी हैं, कृपया गांधी जी से भी निवेदन है कृपया वो बाबा साहब और भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित करें। ब्रह्म प्रकाश जी कृपया मंच पर आए बाबा साहब और भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित करें। शमसुद्दीन जी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है, कृपया उनसे भी निवेदन है कृपया वो भी बाबा साहब भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित करेंगे। जय सिंह नीरज जी, जय सिंह कनेरा जी कृपया मंच पर आए और भगवान बुद्ध बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे। राकेश जी कृपया वो मंच पर आए और बाबा साहब और भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित करें। देखिए मिशन जय भीम का जो उद्देश्य है जाति को समाप्त करना तोड़ना है और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना है, और बौद्ध धर्म जाति समाप्त तभी होगी जब हम किसी धर्म में प्रवित होंगे। बौद्ध धर्म में आने के बौद्ध धर्म का हमारा पहला उद्देश्य है, किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले वहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शन पंचशील ग्रहण किया जाता है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कृपया सब अगर हो सकता है माँ अपनी जगह खड़े हो जाएं और भगवान बुद्ध को सबसे पहले 3 बार हम नमन करेंगे, उसके बाद तीर्थन पंचशील ग्रहण करेंगे। सबसे पहले भगवान बुद्ध की तरफ को सभी हाथ जोड़ें और 3 बार हम नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, आदिन्दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि,
कामेशु मिच्छा चारा वेर मणि सिखा पदम समाधियामि। मूसावादा वेर मणि सिखा पदम समाधियामि। सुरा मेरे मज पमाद ठाना वेर मणि सिखा पदम समाधियामि। सिखा पदम समाधियामि। साधु 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 बोधं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी यहाँ पर टीम उपस्थित है, मैं उनके लिए दो शब्द सर दो मिनट मैं उनके लिए अभी मैं माइक को वापिस करता हूँ। कृपया आप का मंच का संचालन करें। सभी को पुनः नमो बुद्धाय जय भीम। हेलो 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 तो यहां पर अभी धम्म याचना एवं पंचशील पाठ के बाद हम कार्यक्रम को अगली गति की ओर ले चलते हैं और फिर से अनुरोध करते हैं प्रीतम बौद्ध जी से कि वो अपनी कला का कुछ अंश दोबारा से हमारे बीच प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हेलो सजदा जलवा तेरा जलवा 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 ज
सजदा जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा हो तेरा जलवा जलवा जलवा। तो साथियों, जैसा भी मंच की तरफ से आदेश हुआ है, बहुत से आदमी उस बात को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे ही मैंने एंट्री करी गेट पे, तो कई प्रेमी भाई कहने लगे कि भाई वो बात जरूर सुनाना, वो बात सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं। वैसी रागनी आज तक ना तो किसी ने सुनाई है ना सुनी होगी। मैंने नहीं कहा, ये लोगों के मुख से आवाज आई। तो साथियों, एक ऐसी रचना आपके सामने सुनाता हूं कि एक एक शब्द आपके बच्चे ने, आपके बेटे ने बिल्कुल उसकी गहराई में उतर कर, बाबा साहब वैसे तो सागर हैं, उनको कोई कहीं सिमेट नहीं सकता, लेकिन उनके कार्यों को, उनके संघर्ष को मैंने एक रागनी के माध्यम से पिरोने की कोशिश करी है। बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वह कभी इतिहास नहीं लिख सकता, वह अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो आइए जानते हैं इस कविता के माध्यम से अपने सच्चे इतिहास को, जिसे लिखा है आपके अपने बच्चे, आपके बेटे, अपने भाई प्रीतम बोध लहराड़ा वाले ने। और आज साथियों देखो, ये बहुत बड़ी है, आप सभी से मेरा निवेदन है, समय लगेगा कम से कम 25 मिनट का, बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना पैदा करे और ना कोई उठ के जाए, लेकिन जो जय भी मिशन करना चाहता है उस मकसद को इस रागनी के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मेरा साथ दे रहे हैं। आपके बीच में एक ऐसा कलाकार लेके आया हूँ जो मेरे बाद इस कारवां को संभालेगा, मेरा छोटा भाई आशीष बरोदा, एक बार भाई के नाम से भी जोरदार ताली बजाओ। हम मिलके इसको रागनी को सुनाएं, क्योंकि अकेला गाना मुंह में झाग आ जाते हैं भाई, बहुत जोर लगा के ये रागनी गाई जाती है। तो कहते हैं, केरे सुनकर भीम की दर्दे दास्ता, सुनकर भीम की दर्दे दास्ता, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, हमें भुला देना अगर हम बेगाने लगे, मगर भीम को भुलाने में जमाने लगेंगे, जमाने लगेंगे। साथियों देखना किस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष करके हमारे को यहां तक पहुंचाया, क्या जमाना था उनके जन्म से पहले, क्यों उन्होंने ये धर्म छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, इस एक ही बात के माध्यम से किस तरह से क्या बता रहा। हेरे भीम रावण कोट पेंट दी, लोगो रोटी कपड़ा पाड़ी, राव ने कोट पेंट दी, रोटी कपड़ा पानी, और अगर अच्छा लगे तो इतनी जोरदार तालियां बजाना, जो मनुवादी हैं, जो विरोधी हैं, उनके कानों में ये तालियां ऐसे लगे जैसे बाबा साहब संविधान रूपी तमाचा उनके मुंह पर मारे के जा रही है। अरे भीम राव ने कोट पेंट दी, राव ने कोट पेंट दी, रोटी कपड़ा पानी, सुन लो अमर कहानी भीम की, सुन लो अमर कहानी, भीम राव ने कोट पेंट दी, रोटी कपड़ा पानी, सुन लो अमर कहानी भीम की, सुन लो अमर कहानी।
ब्राह्मणों के जड़ते शुद्र कट नहीं सकते, धन संचय वे करके आगे बढ़ नहीं सकते, मंदिर की भी चौखट पे वे चढ़ नहीं सकते, मंदिर की भी चौखट पे वे चढ़ नहीं सकते, सखम से तेरा खेजो तू नहीं सकते, इतिहास देख लो साठ से नुकू नहीं सकते, भीम ने जो कटे अटकू नहीं सकते, मम्मी पानी का भी टोटा धारे छू नहीं सकते थे, वे शस्त्र पढ़ने की रखती मनाई थी, तेल डालते कान के मकरम सुलाई थी, शिक्षा के चक्कर में हमने जीव कटाई थी, मुंह में हांडी पाछे झाड़ू न्यारी राई थी, हांडी पाछे झाड़ू न्यारी राई थी, भूल कभी प्यार ना जताया करते, कोड़े मार मार के सताया करते, सती पाप योनी की बताया करते, खाक तभी नीचे नु बैठाया करते, नारियों का भारत में सम्मान नहीं था, शास्त्रों में नारी का उत्थान नहीं था, नारियों के हक में भगवान नहीं था, सबको न्याय दे दे संविधान नहीं था, सबको न्याय दे दे संविधान नहीं था, सबको न्याय दे दे संविधान नहीं था, एक मनुष्य समृद्धि पुस्तक दी रे, समर्ती पुस्तक थी वा, सन्न में मान सखाए